बड़वानी जिले में कोरोना महामारी के चलते इस बार रक्षाबंधन का त्योहार फीका नजर आ रहा है। वहीं कई लोगों की कलाई इस बार सुनी रह गई, तो वहीं कुछ भाई बहनों ने सांकेतिक रूप से ऑनलाइन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बड़वानी में एक बहन की राखी इस बार सुनी रही और वीडियो कॉल के माध्यम से अपने भाई को सांकेतिक रूप से राखी बांधने के साथ नारियल दिया और आरती उतारी। दरअसल बड़वानी के रहने वाली सारिका बोधा, जिनका मायका महाराष्ट्र है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह अपने मायके नहीं जा पाए, जिसके चलते उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से ही सांकेतिक राखी अपने भाई को बांधी। सारिका बोधा कहती है कि वह अपने भाई को और परिवार को बहुत मिस कर रही है और ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई। वही वीडियो कॉल से जब वह अपने भाई से बात कर रही थी, तब भावुकता के चलते उनकी आंखें नम हो गई। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या नाम है? सारिका गोदा, बड़वानी। आज रक्षाबंधन है, किस तरीके से रक्षाबंधन? एक्चुअली मेरा पियर जो है महाराष्ट्र धुलिया में आ जा नहीं सकते अभी लॉकडाउन की वजह से, तो हमने वीडियो कॉल के जरिए भाइयों को राखी, वीडियो कॉल के इस पे राखी बांधी है, मिठाई खिलाई, नारियल दिया, वीडियो कॉल पे ही करा है। अभी घर वालों को मिस कर रहे होंगे? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि ऐसा पहला साल है कि ना भाई आ पा रहा है ना हम जा पा रहे हैं। यहाँ पे 23 साल हो गए शादी को, पहली बार ऐसा हुआ है कि राखी के दिन मतलब हम भाई की कलाई पे राखी नहीं बांध पा रहे हैं आज के दिन। देखा हमने आप जैसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, आपको पे आंसू आ रहे थे, आपके राखी बांध रहे थे। तो वो तो ये दिन ही ऐसा है ना, साल भर में एक दिन तो ऐसा होता है भाई बहनों का कि जो हम मतलब भाइयों को बहुत मिस करते हैं आज के दिन, इसलिए आज सुबह से ही बहुत याद आ रही सभी भाइयों की। आप हर बार राखी पे जाते हो तो किस तरीके से एंजॉय करते हो फैमिली के बीच में, क्या करते हो? वह सब भाई भाभियों के बीच में साथ में खाना, दिन भर मस्ती करना, शाम को घूमने जाना, गेम्स वगैरह खेलना, सभी करते, पूरी जॉइंट फैमिली हमारी 25 मेंबर की, तो सबको आज टोटल सभी को मिस कर रहे हैं आज पूरे फैमिली को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।